यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र लांघकर लंका के समुद्र तट पर पहुंच गए थे। उस दौरान श्री राम के मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार रावण को एक संदेशा भेजा जाए कि अगर वो क्षमा सहित देवी सीता को लौटा देता है, यह युद्ध टल सकता है और दोनों ही पक्षों की जनहानि होने से बचा सकता है। पर श्री राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि दूत के तौर पर रावण के पास किसे भेजा जाए। ऐसे में अनुभवी जामवंत ने श्री राम को सुझाव दिया कि अंगद इस कार्य के लिए सबसे बेहतर रहेगा। अंगद के पास बल और बुद्धि तो है ही, साथ ही वाक्पटुता में अंगद जैसा होशियार कोई नहीं। आज्ञा पाकर अंगद रावण के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुंच गए। अंगद को देख रावण ने अंगद को हड़काते हुए पूछा कि तुम कौन हो। तब अंगद ने बड़े चतुराई से जवाब देते हुए कहा कि मैं उसी का पुत्र हूँ जिसने तुम्हें 6 महीने अपनी बगल में दबाए रखा था। इस पर रावण ने अंगद को श्री राम के विरुद्ध भड़काने के लिए व्यंग किया, तो तुम उसी बाली के पुत्र हो जिसकी राम ने छुपकर हत्या कर दी। इस पर अंगद ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, श्री राम ने तो उन्हें अपने बाण पर बिठा कर सीधे स्वर्ग भेजा है। तब रावण ने अंगद को धिक्कारा कि जो संतान अपने पिता के हत्यारे के साथ मिल जाए, वो संतान अपने कुल को कलंकित कर देती है। धिक्कार है तुम जैसी संतान पर। अंगद ने कहा, श्री राम तो स्वयं नारायण हैं, उन्होंने तो मेरे पिता का उद्धार किया है, उनके चरणों में तो मुक्ति धाम है, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है कि माता सीता को उन्हें सौंपकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो। श्री राम बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। रावण ने अहंकार पूर्वक कहा कि उस वनवासी राम से मैं माफी मांगूं, यह तो हो ही नहीं सकता। तीनों लोकों के विजेता के आगे तुम्हारा वनवासी किस खेत की मूली है। तब अंगद ने बताया कि याद करो, जब उसी वनवासी के भाई ने एक रेखा खींच दी थी तो तुमसे वो भी पार नहीं करी गई थी, जबकि उन्हीं का दास एक वानर सोयोजन समुद्र लांघकर लंका में घुस आया और तुम्हारी सोने की लंका को खाक कर दिया था। मैं भी उसी वनवासी राम का दास हूँ। यह कहकर अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया और चुनौती दी कि अगर इस सभा में मौजूद कोई भी मेरे पांव को हिला दे तो श्री राम बिना माता सीता के इस लंका से वापस लौट जाएंगे। एक एक कर सभा के सभी लोगों ने अंगद का पांव हटाने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। अंत में जब रावण अंगद का पैर हटाने के लिए झुका तो अंगद ने पैर हटा लिया। अंगद ने कहा कि पैर पकड़ने हैं तो श्री राम के पकड़ो, मेरे नहीं। ऐसा कहकर अंगद ने रावण का गिरा हुआ मुकुट ले जाकर राम के चरणों में रख दिया और सारा वृतांत सुनाया। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।